दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अंबेडकर नामा। जारी है द बंच ऑफ थॉट, गोलवलकर की राइटिंग, हिंदी में जिसे विचार नवनीत कहते हैं। कई साथी ये कह रहे हैं कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत है। अगर किसी किताब, किसी दर्शन को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट भी आप नहीं दे सकते हैं, उसकी समीक्षा भी आप नहीं कर सकते हैं। और अभी ये जरूरी इसलिए भी हो गया है कि कई गलियारों से बातचीत में, कई संगठनों में ये चर्चा उठी है कि जो नई संसद का नाम रखा जाना है, गोलवलकर के नाम पर संसद का नाम रखा जाना है। इसलिए यह समीक्षा करना भी बहुत जरूरी है कि आखिर गोलवलकर का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ है भी या नहीं। दूसरी बात, हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाना हो तो सबसे महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर अंबेडकर का है। अगर आप अंबेडकर नामा के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, उसको खोलिए, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे उनके राइटिंग्स और स्पीचेस को हमने वीडियो बनाकर डाला है। वहाँ जाइए और सुनिए और देखिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। दूसरी बात यह है कि किताब पढ़ने के बाद आपको ये भी पता लगेगा और मुझे भी पता लगेगा, मैं भी सीखूंगा कि इसमें कितना गपशप है, गोलमोल बातें हैं या कुछ काम की बातें हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि राष्ट्र सिर्फ एक भौगोलिक मानचित्र नहीं होता है, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समूहों से बनता है। और इसलिए आरएसएस संघ के लोग जिस राष्ट्र की बात गोलमोल बड़े बड़े भाषण में करते हैं, उनके राष्ट्र में कौन है, आखिर उनके वसुधैव कुटुंबकम में कौन है, यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए, आज मैं चर्चा कर रहा हूं उनके छठे चैप्टर पे। पांच चैप्टर पे वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाइए, अगर छूट गया है कोई वीडियो तो जरूर सुनिए। आज छठा चैप्टर क्या लिख रहे हैं, अब सुनिए जरा सा। उन्होंने लिखा है पहला पुनर्जीवन, कि अपने हिंदू राष्ट्र का पूर्ण वैभव एवं इसकी महानता का पुनर्जीवन हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र का पूर्ण वैभव, हिंदू राष्ट्र का मतलब आप समझ लीजिए क्या है। अपने इस लक्ष्य का आकलन करने के लिए आवश्यक है कि अपने राष्ट्र के उस परम वैभव, जिसे हम प्रार्थना में उच्चारित करते हैं, के अर्थ को भली भांति समझें। इसके पश्चात हमें यह भी समझना होगा कि अपने राष्ट्र की वह वैभवशाली अवस्था कैसे प्राप्त की जाए और किस भांति उसे स्थिर रखा जाए। सामान्य रूप से किसी राष्ट्र का वैभव उसकी भौतिक संपन्नता के आधार पर नापा जाता है। निसंदेह गौरवशाली राष्ट्र को सब भांति संपन्न होना आवश्यक है। राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से होनी चाहिए, किंतु क्या जिस राष्ट्रीय वैभव की कल्पना हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, इसका पूर्ण चित्र यही है? सवाल खड़े कर रहे हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना है। अब आगे लिख रहे हैं कि वैभव की हमारी कल्पना, कल्पना क्या है। लिखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना विशिष्ट जीवन संगीत रहता है और उसकी लय तरंग में राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। अपने हिंदू राष्ट्र ने भी अनादि काल से एक अनुपम विशिष्टता को सुरक्षित रखा। हमारे लिए भौतिक सुख के स्वरूप अर्थात अर्थ और काम मनुष्य के जीवन के एक अंश मात्र हैं। हमारे महान पूर्वजों ने घोषणा की है कि मानव पुरुषार्थ के दो पहलू और भी हैं, धर्म एवं मोक्ष। उन्होंने हमारे समाज की रचना चतुर्विध निर्धारित की है। यह चतुर्विध क्या है? यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके आधार पर रचना की गई है। अति प्राचीन काल से हमारा समाज केवल संपत्ति एवं वैभव के लिए प्रसिद्ध नहीं रहा, वरन इससे भी अधिक जीवन के उन दो पहलुओं के लिए रहा है। इसलिए हम एक उच्च नैतिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक लोग कहे जाते हैं, जिन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य सीधे लक्ष्य
ईश्वर से सीधे संपर्क करने अर्थात मोक्ष से कम नहीं रखा। लेकिन मोक्ष किसको किसको प्राप्त करना था, इसका भी वर्ण व्यवस्था एक सिस्टम है, इसमें गोलवालकर साहब कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब सीधे यह ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं आप। यदि मानव सत्ता का यह अंतिम उद्देश्य त्याग दिया जाए तो मनुष्य में जो पशु है उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त और क्या बचता है। यदि यह सत्य है कि मनुष्य और पशुओं में अंतर होता है तो उन दोनों की संपन्नता एवं सुख की कल्पना में भी अंतर होना चाहिए। यदि खाना पीना और खूब आनंद भोग ही दोनों की कसौटी है तो मनुष्य की तुलना पशु के साथ ही करनी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमें मनुष्य की आत्मा को भी खाद देना है। जब हम यह कार्य करते हैं तभी अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को वास्तव में महान एवं वैभव संपन्न मान सकते हैं। इसलिए जब हम अपने राष्ट्र की महानता और वैभव पर विचार करते हैं तो हम उनकी संपत्ति, उनकी समृद्धि तथा शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के सब साधनों का ही विचार नहीं करते, वरन हम व्यक्ति के मन के विषय में भी विचार करते हैं। उन्हें शनै शनै सभी से ऊपर उठाने का प्रयत्न कर व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचाना चाहिए जिसका उसे मानव प्राणी के रूप में अधिकार प्राप्त है, अर्थात ईश्वरत्व से सीधा संबंध। यह कहा गया है कि प्रथम धर्म का आचरण करो, धर्म तुम्हें अर्थ और काम की प्राप्ति भी करा देगा। अब आगे धर्म का क्या स्थान है इसकी बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि धर्म की रक्षा एवं उसका कायाकल्प करना चाहते हैं तो क्या हमारा आशय उसके कर्मकांड के बाह्य स्वरूप एवं औपचारिकताओं से है? हमारे देश में कुछ लोग पवित्र सूत्र यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं जबकि कुछ लोग नहीं करते। कुछ चोटी रखते हैं कुछ नहीं, कुछ मूर्ति पूजा करते हैं कुछ नहीं। ये वस्तुएं उनके लिए अर्थ रखती हैं जो उन्हें मानते हैं। ये हमारे सर्वव्यापी धर्म के छोटे छोटे बाहरी लक्षण मात्र हैं, उन्हीं को धर्म मान लेने का भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ गोलवलकर साहब ये लिखना भूल जाते हैं कि जब बिहार में यादवों ने जब जनेऊ धारण किया था तो कैसे उनको मारा गया था, कैसे उनके पीठ पे जहाँ जहाँ जनेऊ के निशान थे उसको कैसे कैसे जलाया गया था। इसलिए जनेऊ सिर्फ जनेऊ नहीं है, वो एक ऐसा बाउंड्री है जो डिमार्केट करता है कि कौन किस वर्ण में जाति में पैदा हुआ है। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। आगे लिख रहे हैं कि हमारे धर्म की परिभाषा दोहरी है। प्रथम तो मनुष्य के मस्तिष्क का उचित पुनर्वासन तथा दूसरा है सामंजस्यपूर्ण सांघिक अस्तित्व के लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों का परस्पर अनुकूल बनना, अर्थात समाज धारणा के लिए एक उत्तम समाज व्यवस्था। हम प्रथम पहलू को लें। हम जानते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके मन का प्रक्षेपण मात्र होता है, किंतु मन एक ऐसे पशु के समान है जो कितनी ही वस्तुओं के पीछे भागता है तथा उसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि सभी वस्तुओं के साथ वह एक हो जाता है। साधारणतः मनुष्य का मन यह विचार करने के लिए नहीं रुकता कि क्या ठीक है और क्या गलत। वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक नीचे झुक सकता है। इस प्रकार के मन के साथ मनुष्य का साधारण पशु के स्तर से ऊंचा उठाने की संभावना नहीं होती। अतएव मन को आत्मसंयम एवं कुछ अन्य महान गुणों से संस्कारित करना होता है। अच्छे आचरण के वे लक्षण भगवद गीता एवं हमारे अन्य पवित्र ग्रंथों में उल्लिखित हैं। उन्होंने शरीर के लिए 5 यमों और मन के लिए 5 नियमों का वर्णन किया है। दूसरा है सामाजिक पहलू। मनुष्य के जीवन का समाज के व्यापक हितों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रथम पहलू की परिभाषा इस प्रकार की है कि धर्म एक प्रकार की व्यवस्था है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर संयम रखने को प्रोत्साहित करती है और संपन्न भौतिक जीवन का उपभोग करते हुए भी दैवी तत्व अथवा
शाश्वत सत्य की अनुभूति के लिए क्षमता का निर्माण करती है। दूसरा स्वरूप है वह शक्ति जो व्यक्तियों को एकत्र करती है और उन्हें समाज के रूप में धारण करती है, धर्म है यही। इन दोनों परिभाषाओं का मेल प्रकट करता है कि धर्म की स्थापना का अर्थ एक ऐसे सुसंगठित समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अपने एकत्व का अनुभव करता है तथा दूसरों के भौतिक जीवन को अधिक संपन्न, अधिक सुखमय बनाने के लिए त्याग की भावना से अनुप्राणित होता है एवं उस आध्यात्मिक जीवन का विकास करता है जो उसे चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में ले जाता है। यहाँ पे गोलवलकर साहब लग रहा है कि बहुत ही यूटोपियन आदर्श की एकदम यूटोपियन बात कर रहे हैं, एकदम यूटोपियन आदर्श है ना। व्यक्ति 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 की जात भी है, तमाम संस्कृतियाँ भी हैं, यहाँ पे सब गोलमोल है। चलिए आगे लिख रहे हैं, समाज की सुस्थिति एवं कल्याण के साथ व्यक्ति के विकास के मेल को देखने की एक और भी दृष्टि है। हमारे महान विचारदाताओं ने हमसे नित्य तथा अनित्य का भेद जान लेने को कहा। शंकराचार्य ने इसे नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसके उच्च दार्शनिक अर्थ को एक ओर रख दें और इसे अपने राष्ट्रीय जीवन पर लागू करें। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, अनगिनत पीढ़ियों का आना जाना हो चुका है, किंतु राष्ट्र बना हुआ है। जल के बिंदु आते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और भाप बनकर उड़ जाते हैं, किंतु गंगा का प्रवाह अनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन का प्रवाह भी शाश्वत है। हम व्यक्ति सतह पर एक बुलबुले अथवा बूंद के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्र जीवन ही नित्य है और व्यक्ति अनित्य है। अतः आदर्श व्यवस्था होगी अनित्य व्यक्ति को नित्य की प्राप्ति के साधनों में अर्थात सामाजिक हित के रूप में बदल दिया जाए। यही धर्म अपने दोहरे स्वरूप में मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य ईश्वरत्व की प्राप्ति की ओर ले जाता है। अब आगे कह रहे हैं वर्तमान चेतावनी, चेतावनी भी दे रहे हैं, किस तरह की चेतावनी है जरा देखिए। आप लिख रहे हैं कि दुर्भाग्य से आज हमारे देश के कर्णधार इस राष्ट्रीय दृष्टि से विहीन हैं और ऐसे विदेशी विचारों से विमोहित हो गए हैं जो उन्नति एवं वैभव के भौतिक दृष्टिकोण से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उन्होंने जीवन स्तर को उन्नत करने का घोष प्रचलित किया है, जिसका अर्थ है केवल मनुष्य के इच्छाओं को बढ़ाना और शारीरिक सुख सुविधाओं को बढ़ाते हुए उसकी पूर्ति का प्रयत्न करना। आज का विलास बहुल्य कल की आवश्यकताएं हो जाता है और इस प्रकार मनुष्य की भौतिक आकांक्षाओं की अधिकाधिक अतितृप्ति के लिए अंतहीन संघर्ष चलता रहता है। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि भौतिक कामनाओं की शांति कभी नहीं हो सकती। जितनी भी अधिक कोई उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है वे उतनी ही अधिक तीव्र हो जाती हैं। जिस प्रकार आग में तेल उड़ेलने से वह बुझने के स्थान पर और प्रज्वलित हो जाती है। टॉलस्टॉय ने एक अत्यंत शिक्षा प्रद कहानी लिखी है जिसका शीर्षक है मनुष्य को कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। इस लेख में कहानी में इस प्रकार है कि एक किसान से वादा किया गया कि सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत वह जितनी भूमि की परिक्रमा कर लेगा उतनी भूमि उसे दे दी जाएगी। अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने के लोभ के कारण वह इतनी दूर तक दौड़ा कि सूर्यास्त से पूर्व वह अपने प्रारंभ स्थान पर लौट कर नहीं आ सका और श्रमणशीलता के कारण मर गया। उसे गाड़ने के लिए केवल 7 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी जमीन की आवश्यकता पड़ी। बहुत ही यहाँ आदर्श बात है, लेकिन यहाँ पे यह सवाल जरूर उठता है कि जितने मठ मंदिर हैं उनके पास इतने अरबों खरबों रुपए, सोने चांदी जवाहरात, इतने जमीन क्यों है,
इसका जवाब तो गुलवलकर साहब को यहाँ देना चाहिए, लेकिन ये बहुत यूटोपियन आदर्श की बात हो रही है। आप देखते हैं कि केरला में और दक्षिण में मंदिर जो हैं सोने और जवाहरात के गढ़ बने हुए हैं, कितने हजारों एकड़ जमीन उनके पास है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। बेसिकली बात समझिए क्या खेला इसमें लिखा गया है। आगे लिख रहे हैं कि यह बात भी भली प्रकार जानी हुई है कि जिस व्यक्ति के पास गट्ठर भर अपूर्ण कामनाएं हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए कितने ही अधिक साधनों के प्राप्त होने पर भी वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अब यहाँ अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन अगर आज होते गुलवलकर साहब तो देखते हैं कि यहाँ कितने RSS बैक्ड शासन है और कितने सुख सुविधा लोग भोग रहे हैं, कौन किसके मित्र जो है शब्द से दुनिया के अमीर आदमी बन रहे हैं, कितने ऑफिस खुल रहे हैं, देखना चाहिए था। उदाहरण दे रहे हैं कि अमेरिका में असीम संपत्ति एवं संपन्नता के होते हुए भी विविध प्रकार के भीषण आपराधिक घटनाएं तथा मानस रोगों की वृद्धि भयावह गति से हो रही है। सहस्रों अमेरिकी वासी नित्य रात्रि में शैया पर जाने से पूर्व निद्रा की गोलियों का सेवन करते हैं। यह उनके जीवन दर्शन के एक गंभीर छिद्र का सूचक है। राजनीतिक तथा आर्थिक तत्वों का ही जीवन में पूर्ण एवं सर्वाधिक विचार रखते हुए उन्होंने आध्यात्मिकता की जड़ों की उपेक्षा की है। अब इस समय देखिए ना, भारत में कितनी आपराधिक घटनाएं हैं, ये भी तो देखना चाहिए, लेकिन नहीं। लिख रहे हैं कि यह आध्यात्मिकता ही वो वस्तु है जो मानव मस्तिष्क को संयमित और उदात्त बनाती है तथा शांति एवं सुख में विकसित और स्फुटित होने के लिए मानवात्मा का परिपोषण करती है। अब यहां कुछ व्यवहार की बातें हो रही, जरा व्यवहार की बातें सुनिए क्या कह रहे हैं। लिख रहे हैं, अतएव हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चतुर्विध पुरुषार्थ की पूर्ण जीवन कल्पना ही थी जो चार स्टेजेस बनाए गए, जिसने हमारे समाज के स्वरूप को विशिष्टता प्रदान की और विश्व के क्षितिज पर हमारे नाम को प्रकाशित किया। इस तथ्य को प्रकट करने वाले हमारे राष्ट्रीय अतीत के यथेष्ट साक्ष्य हैं कि यह जीवन कल्पना कोरी काल्पनिक जगत की बात नहीं थी, वरन हमारे राष्ट्र के जीवन में सहस्रों वर्ष तक एक सजीव सत्य रही थी। हमारे देश में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों ने यहाँ के मनुष्यों के अति श्रेष्ठ स्तर और असीम संपत्ति एवं वैभव को प्रशंसात्मक कथनों द्वारा प्रमाणित किया है। हमारे लोगों का श्रेष्ठ चारित्र गठन जीवन की उस पूर्ण कल्पना का परिणाम था, जिसके अंतर्गत अर्थ और काम का समन्वय धर्म और मोक्ष के उच्चतर मूल्यों के साथ किया गया था, जिसे हमने व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर क्रियान्वित किया। इतिहास में इस बात के असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि दूसरे देशों ने हमारे राष्ट्र के समक्ष अतीव श्रद्धापूर्वक नमन किया है, जिसका मुख्य कारण हमारे आध्यात्मिक महत्पुरुषों का विशुद्ध चारित्र रहा है। यहाँ पे जितनी संपदा की चर्चा हुई है, शायद गुलवलकर साहब भूल गए हैं कि किसके शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आखिर जो संपदा, जो समृद्धि थी, वो इस देश के किन लोगों ने बनाई थी, क्या काम करने वाले लोगों ने बनाई थी, या सिर्फ जो गैर जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने बनाई थी, ये जिक्र करना भूल गए हैं। दूसरी बात, कई कहानी है पुराणों में कि जो ऋषि और मुनि और देवता किस किस तरह का काम करते थे, कई वीडियो अम्बेडकर नामा पे सुना चुका हूँ, और भी आप जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात कह रहे हैं गोलवलकर, जो मोदी साहब शायद वहीं से आइडिया लिए। लिख रहे हैं कि बाद में बौद्ध सन्यासी, क्रोनोलॉजिकली वजह से गड़बड़ है, पहले बौद्ध सन्यासी बाहर गए, बाद में यहाँ के हिंदू लोग गए, ब्राह्मण लोग। लिख रहे हैं कि बाद में बौद्ध सन्यासी एवं धर्म प्रचारक अपने देश की सीमाओं को पार करके दूर दूर देशों में गए, उन सभी देशों में उनकी पूजा हुई तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण एवं उपदेश को आदर्श रूप में माना गया। बुद्ध का एक शिष्य तिब्बत, चीन और जापान गया था, उन सभी देशों में उसकी मूर्ति की पूजा देवता के समान होती थी। स्वार्थ त्याग एवं सेवा की तीव्र भावना
सभी को हृदय से लगा लेने वाले प्रेम और इस प्रकार के धर्म प्रचारकों के उदात्त चरित्र की विशुद्ध श्रेष्ठता ने उन्हें लोगों का सांस्कृतिक गुरु बना दिया। इन्होंने ही हमारे भारत के लिए विश्व गुरु का नाम अर्जित किया। चलिए, यहाँ तो ईमानदार दिख रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोगों की वजह से भारत विश्व गुरु बना, और शायद मोदी साहब ये पढ़े होंगे लाइन, इसलिए जब बाहर जाते हैं तो हर समय विश्व गुरु और बुद्धिज्म की बात करते हैं, और किसी ब्राह्मण गुरु की वजह से भारत विश्व गुरु नहीं बना, ऐसा कोई नाम बाहर में प्रचलित नहीं है बुद्ध के अलावा। आगे लिख रहे हैं, आज हम अपने देश के लोगों को अन्य देशों में राजदूत अथवा आचार्य, विद्यार्थी या व्यापारी, अथवा यूं ही आनंद करने के लिए यात्रा करने वालों के रूप में जाते देखते हैं और पाते हैं कि वहां जाकर वे शारीरिक भोगों के पंख में, मतलब कीचड़ में धंस जाते हैं तथा वहां के लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठतर व्यवहार न करके बहुत बार अपने आप को उनसे भी तुक्ष व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब राष्ट्रीय जीवन के इस स्व पर बल देने की आवश्यकता और भी स्पष्टता से अनुभव होती है। और कौन लोग वहाँ कीचड़ में धंसते हैं उनका जात भी बता दे तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन बताए नहीं, जाति या वर्ण वर्ण की बात नहीं मिलती है, सब गोलमोल बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का सच्चा पुनरुद्धार मनुष्य निर्माण से होना चाहिए। उसमें शक्ति का ऐसा संचार होना चाहिए कि वह मानवीय दुर्बलताओं को पराभूत कर प्रेम, आत्मसंयम, त्याग, सेवा एवं चारित्र्य के हमारे परंपरागत सद्गुणों की मूर्ति बनकर हिंदू पुरुषार्थ के भासमान प्रतीक के रूप में खड़ा होने में समर्थ हो सके। अपने वैभवशाली राष्ट्रत्व का यह महत्वपूर्ण और वास्तविक सार तत्व अपनी दृष्टि के समक्ष सदैव रखना होगा, जिससे कि हम अपने विश्व गुरु के मूल पद पर पुनः आरूढ़ हो सके। विश्व गुरु बुद्धिस्टों की वजह से थे गुलवलकर साहब, उनका पद हड़पिए नहीं। आगे गोलमोल बातें बहुत हैं, खाली सुनते रहिए और थोड़ा आनंद लेते रहिए, कम से कम पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो सुन जरूर लेना चाहिए। आगे लिख रहे हैं कि अब हम इस प्रश्न के दूसरे पक्ष पर आते हैं। आज के संसार में जीवन की अपनी चतुर्विध उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय वैभव के उच्चतम स्तर पर पहुंचने तथा उनको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ज्ञात है कि ऐसी वैभवशाली अवस्था के विनाश का भय आंतरिक अव्यवस्था अथवा बाहर से होने वाले आक्रमणों से उत्पन्न होता है। हमारा अपना ही इतिहास बताता है कि इन्हीं दोनों कारणों ने हमें उस वैभव की दशा, जो कि संसार की ईर्ष्या का विषय थी, से इस वर्तमान हे दशा में लाकर खड़ा कर दिया। अतएव आज हमें अपने राष्ट्रीय जीवन का पुनर्निर्माण करना है, ताकि इन दोनों ही प्रकार के संकटों का निराकरण कर सके। यह भी भली प्रकार से ज्ञात होता है कि विशेषतया इस युग में बाह्य आक्रमण, आंतरिक विक्षोभ एवं अस्त व्यवस्था से अपने को सुरक्षित रखने की शक्ति समाज के संगठित जीवन में ही है। संघे शक्ति कलो युगे। जब हम यह कहते हैं कि अपने राष्ट्र के वैभव के शिखर पर ले जाना चाहिए, तो उसका यह भी अर्थ होता है कि समाज जागरूक, संगठित एवं सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। आखिर यह एक सत्य है कि राष्ट्र संगठित शक्ति के ठोस आधार पर ही खड़े हो सकते हैं। जीवन के अन्य विषय जैसे भोजन, वस्त्र, घर, औषधि तथा अन्य भौतिक प्रयोजन कितने ही आवश्यक क्यों न हों, गौण है, सेकेंडरी है। अब देखिए, आज जो है आप महंगाई से मर रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब बर्बाद हो रहा है, रुपया का हालत खराब है, और तब भी यहाँ से लाइन आया है अभी जो कह रहे हैं भाजपा के लोग, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, भोजन, वस्त्र, घर, औषधि तथा अन्य भौतिक प्रयोजन कितने भी आवश्यक क्यों नहीं, राष्ट्र महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ ये अडानी अंबानी से तो पूछना चाहिए था, और साधु बाबा जो किटकेट खाते हैं, वे किटकेट ब्रेक लेते हैं,
उनसे ये पूछना चाहिए कि उनको भूख लगती है कि नहीं लिखते। चलिए खैर, प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है अजय संगठित समाज जीवन की, जिसके अभाव में उच्चतम राष्ट्रीय संपन्नता भी अत्यल्प काल में घूल मिल जाती है। आगे लिख रहे हैं कि दुर्बल कड़ियों से सबल श्रृंखला नहीं बनती। अब यहां शक्ति की बात आ रही है, जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। अब हम इस प्रकार की शक्ति के उद्गम की ओर दृष्टिपात करते हैं कि कहां से इस प्रकार की शक्ति आती है। हम कहते हैं कि वह लोगों के संगठित जीवन में निवास करता है। लोग इस प्रकार के होने चाहिए कि जिनके मन में मन एवं विचार एकता से रंजित हों, जिनकी नैतिकता के समान नियम हों, एक दूसरे के प्रति प्रामाणिक हों तथा राष्ट्र के प्रति एकांतिक रूप से निष्ठावान हों। जब तक वे इस प्रकार के नहीं होते, केवल संगठन शक्ति राष्ट्र रक्षा का कार्य नहीं कर सकते। इसके विपरीत वह राष्ट्र जीवन के लिए विभीषिका का स्रोत सिद्ध होगी। क्या हम स्वार्थी और समाज विरोधी तत्वों अथवा चोर डाकुओं तक को संगठित होते नहीं देखते? हम यह भी देखते हैं कि स्वार्थी और चरित्रहीन लोगों को सामाजिक हित में घातक उद्देश्य के लिए एकत्र करने लेना सरल है। आज इस प्रकार के गुट जिनके अपने सांप्रदायिक अथवा कुछ संकुचित हित हैं पूरे संपूर्ण देश में उठ रहे हैं। वे अपने, आज लग रहा है कि आज अगर होते तो ये बात तो सही है, किसके हित हैं ये तो सब लोग देख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि वे अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए देश की पवित्रता एवं अपने राष्ट्र जीवन की एकता का विनाश करने के लिए भी उद्दत। ऐसे लोग बहुत सरलता से एकत्रित हो जाते हैं। यह संगठित जीवन का निम्नतम स्तर है। निम्न स्तर के जीवन में संगठन में बहुत ही सादा और सरल होता है। मांस का एक टुकड़ा फेंकने पर कौओं का पूरा झुंड एकत्रित हो जाता है। यह झुंड की सहज प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति उस समय सक्रिय हो जाती है जब राष्ट्र जीवन की विशाल कल्पना की पकड़ मन से हटकर मत, पंथ, जाति अथवा इसी प्रकार की अन्य संकुचित कल्पनाएं मन पर सर्वोपरि अधिकार कर लेती हैं। किंतु यह सरल है, इसलिए इस मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लिख रहे हैं कि हमारा यह निष्कर्ष है कि योग्य व्यक्तियों के एकत्रीकरण द्वारा संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। इसलिए सोचना होगा कि उन व्यक्तियों के लिए कौन से गुणों की अपेक्षा है जो इस प्रकार के संगठित शक्ति के सजीव अंग बने। लिख रहे हैं कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। कि प्रथम वस्तु है अजय शारीरिक शक्ति। हमें इतना शक्तिशाली होना है कि संपूर्ण संसार में हमें कोई न तो विजित कर सके और न अभिभूत कर सके। इसके लिए हमें सशक्त एवं स्वस्थ शरीर चाहिए। हमारे सभी अवतार जिन्होंने मानव शरीर धारण किया इसी प्रकार के थे। हमारे शास्त्रों का सार यही रहा है कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं लोहे की मांसपेशियों और फौलाद की नसों वाला मनुष्य चाहता हूँ। वह स्वयं ही ऐसे थे। अपने कुछ साथी शिष्यों को बैठकर और आंसू बहाते हुए देखकर गरज कर कहते थे, यह भक्ति नहीं, यह तो नारी संस्थान की दुर्बलता है। लड़कियों के समान बैठकर रो मत। एकदम पुरुषवादी डायलॉग है। बहरहाल लिख रहे हैं कि दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी ओर देखने पर क्या हमें पौरुष एवं शक्ति का कोई लक्षण दिखाई देता है? यह मत कहो कि आखिर शरीर में क्या रखा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए शरीर ही प्रथम साधन है। एक सक्षम शरीर के बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
ईश्वर के साक्षात्कार के लिए वे स्वस्थ एवं सशक्त शरीर की आवश्यकता है, किंतु ईश्वर दुर्बलों के लिए नहीं है। अब यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस के बारे में क्या कहते हैं, वो तो मूव भी नहीं कर सकते थे और दुनिया के बड़े साइंटिस्ट बने, क्या कहा जाए। अब शक्ति का क्या इस्तेमाल होगा आगे देखते हैं। लिख रहे हैं, जब हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं उस समय यदि हमारे सिर में चक्कर आने लगता है, हमारी रीढ़ दुखने लगती है और हम अपने आसन पर कांपने लगते हैं तथा हृदय धड़कने लगता है, इसका कारण ईश्वर नहीं वरन ज्वर होता है। हमारे वर्तमान काल के युवकों में त्वचा के प्रसाधनों की महत्ता और स्नायुओं की अपेक्षा की जो वृत्ति उत्पन्न हुई है उसे अवश्य त्यागना चाहिए तथा उन्हें योग्य व्यायाम एवं स्वस्थ अभ्यास के द्वारा ऐसे सशक्त शरीर का विकास करना चाहिए जो ताप एवं शीत, भूख एवं श्रम तथा जीवन की सभी कठोरताओं में भी प्रसन्न चित रहें। शारीरिक शक्ति आवश्यक है, किंतु चरित्र उससे भी अधिक महत्व का है। बिना चरित्र के केवल शक्ति मनुष्य को पशु बना देगी। व्यक्तिक तथा इसी प्रकार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चरित्र की शुद्धता राष्ट्र के वैभव एवं महानता की जीवन प्राण होती है। आगे प्रहलाद की एक कहानी सुनाते हैं, वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, सीधे इनके उपदेश पे आता हूँ कि उपदेश में क्या कह रहे हैं। लिख रहे हैं कि चरित्रवान होने से हमें सब कुछ उपलब्ध हो सकता है तथा बिना चरित्र के हम प्रत्येक वस्तु खो देते हैं। यहाँ कुछ भाजपा के नेताओं के बारे में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, कुछ बात आप लोग भी खुद ही देखिए कितने चरित्रवान हैं और क्या क्या कर रहे हैं, साधु लोग भी क्या क्या कर रहे हैं आजकल, ये भी देखिए कितने साधु जेल में हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। लिख रहे हैं कि यह बात व्यक्तियों के लिए भी उतना ही सत्य है जितनी राष्ट्रों के लिए। अतएव व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय चरित्र के ये दोनों ही पक्ष राष्ट्रीय वैभव के दो फेफड़ों के समान हैं। आगे का सब हेडिंग है, सफलता के लिए सुदृढ़ सामान्य बुद्धि। अब मान लीजिए कि हमारे पास सशक्त शक्ति एवं शुद्ध और निष्ठावान हृदय है, किंतु शरीर और मन का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए हमें मेधा संपन्न निपुणता की आवश्यकता होती है जो परिस्थिति की वास्तविकताओं एवं जटिलताओं को ग्रहण करने और ठीक ठीक आचरण करने में समर्थ हो। अतएव हमें एकाग्रता की शक्ति का विकास करना चाहिए, अपनी मेधा शक्ति को तीव्र करना चाहिए और ठीक क्षण पर ठीक कार्य में जुटते आना चाहिए तथा निर्णयों को कार्यान्वित करने में हमें आशुकारी एवं क्रियाशील होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि के बिना हमारी सभी अच्छाइयाँ और शक्ति बेकार होगी। हमारे प्राचीन इतिहास में विनाश के अनेक पृष्ठ इसी कारण जुड़े कि हम में इस सुदृढ़ सामान्य बुद्धि का अभाव हो गया था। हम यह न भूलें कि राष्ट्र के पुनः संगठन का मार्ग पुष्प सैया नहीं है और जब धूर्तों तथा कुटिलों से पाला पड़ता है तब बिना चातुर्य के केवल शुद्ध हृदयता से काम नहीं देगी। व्यवहार जगत में निपुणता और चातुर्य प्राप्त करने के लिए केवल मेधावी होना ही पर्याप्त नहीं है, समाज के सामान्य स्तर के व्यक्ति भी इस प्रकार के चातुर्य का अभ्यास द्वारा विकसित कर सकते हैं। आगे लिख रहे हैं कि मान लीजिए हमारा शरीर सशक्त है, चरित्र उज्ज्वल एवं मेधा शक्ति तीव्र है, किंतु विपत्ति में धैर्य का अभाव है तो क्या लाभ। परिस्थितियां सदैव हमारे पक्ष में ही नहीं रहने वाली है, हमें बाधाओं और प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। वीर के लिए प्रथम गुण है निर्भीकता, यह सभी गुणों का आरंभ पद है। हमारे संघ संचालक डॉक्टर हेडगेवार कहा करते थे, राष्ट्र के दृढ़ीकरण का कार्य इस प्रकार आरंभ होना चाहिए, न तो हम किसी को भयभीत करें और न किसी से भयभीत हो। यहाँ ये सवाल पूछना चाहिए कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब आपकी निर्भीकता किधर चली गई थी, आप अंग्रेज़ों से लड़े क्यों नहीं, अंग्रेजों के मुखबिर क्यों बने रहिए, हमारी टिप्पणी है यहाँ पर। गुलवलकर लिख रहे हैं कि हमारे सभी आदर्श वीर निर्भीकता एवं धैर्य के मूर्तिवान स्वरूप हुए हैं। यहाँ राम की कहानी सुना रहे हैं।
और आगे लिख रहे हैं कि ईश्वर की पूजा के लिए भी वीरता का भाव आवश्यक, कायर यह नहीं कर सकता। ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि जब कोई ईश्वर का ध्यान करने बैठता है तो वह पहले वह भीषण आकृतियां देखेगा, यदि वह दुर्बल हृदय का है तो उसका प्रयास निष्फल होगा। कायर को न तो इस लोक में कुछ प्राप्त होता है और न परलोक में। यदि हम सही मार्ग पर हैं तो किसी से भयभीत होने का कारण नहीं है। अपने में इन सब गुणों को विकसित करने के लिए लगन की आवश्यकता है। जिस आदर्श को हमने आपके सामने रखा है उसके प्रति उत्कट भक्ति भाव का आवश्यक आवश्यक लगन प्रदान करेगा, जिससे हम अपने को उसी गुणों से युक्त कर पाएंगे जिनकी आवश्यकता हमारे राष्ट्र के वैभव के उपलब्धि के लिए है। जब हम अपनी समस्त शक्तियों को मनुष्य निर्माण की मूलभूत महान प्रक्रिया की ओर मोड़ देंगे, तभी हमारा प्राचीन एवं पवित्र राष्ट्र महानता और वैभव का अपना पूर्व पद पुनः प्राप्त कर चारों ओर शांति, संपन्नता, संस्कृति एवं चारित्र्य का निर्माण कर सकेगा। दोस्तों, पेज नंबर 54 तक है, पेज नंबर शुरू हो रहा है 44 से, 10 पेज का है और 10 पेज मैंने पढ़ दिया। आप इसमें से मुश्किल से एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ समझे होंगे, इसमें कोरा गप है, गप की बात है, गोलमोल बात है, फिर भी ये पढ़ना जरूरी है कि आखिर ये बात कह रहे हैं। आजकल भी आरएसएस के लोग हर बात में राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, इस राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र लोगों से बनता है, समुदायों से बनता है। राष्ट्र के अंदर इतना असमान वितरण, इतना हिंसा किसके प्रति कर रहे हैं? यहाँ कई धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो इसमें मिला जुला के गोलमोल बातें हैं, कुछ खास नहीं है। जितने 10 पेज को आप दो पैराग्राफ में भी समझ सकते हैं। मुझे लग रहा होगा कि ये सुन के आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आया होगा, फिर भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। संघ के लोग इसी तरह गोलमोल की बातें किया करते हैं, आदम हवा से शुरू करेंगे और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। काम की बात नहीं होती है, सिर्फ मन की बात होती है, लेकिन इसी मन की बात के द्वारा हम काम की बात भी निकालते हैं और पढ़ के आपको समझा रहे हैं कि इसमें गोलमोल कोड़ा गप है, इसमें कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं है। देखते हैं कि पार्लियामेंट का नामकरण किसके नाम पर होता है। पूरा वीडियो सुनिए और समाज को जागृत कीजिए, सबको बंच ऑफ थॉट सुनवाइए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।